नमस्कार मैं प्रिया। आज है 16 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल्द ही होगी नर्सों की बंपर बहाली। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती एडमिट कार्ड जारी। बिहार में विस्थापित भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए मिलेगी जमीन। अब कहीं से भी निकाले बिहार के गांव का नक्शा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब प्राइवेट डॉक्टर भी करेंगे इलाज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जल्द ही होगी नर्सों की बंपर बहाली। बिहार में नर्सों की बहाली का रास्ता जल्द ही साफ होने वाला है। बिहार सरकार ने मंगलवार को जो जानकारी साझा की है उसके तहत सरकार ने कहा है कि जल्द ही 8,853 ANM यानी कि नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर बीते दिन विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनता दल यूनाइटेड के संजीव श्याम सिंह के एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सा की पद स्थापना नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर दो दो ANM का पद स्वीकृत है, जिसमें सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर एक एक और कार्यरत है जो COVID-19 प्रबंधन के साथ टीकाकरण और अन्य कार्यों में लगी हुई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत ही नीतीश कैबिनेट ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। अब इस विधेयक को विधानमंडल में पेश किया जाएगा। वहीं मंत्रिपरिषद ने 14 जजों के जबरन रिटायरमेंट की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही 21 में दो विधायक है जिसे विधानमंडल में पेश किया जाना है। नीतीश सरकार ने वित्त रहित संबद्धता प्राप्त कॉलेज के लिए 624 करोड़ रुपए अनुदान की राशि जारी कर दी है। वहीं राज्य के मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और PHC तक के अलग से विद्युत फीडर कनेक्शन के लिए सरकार ने 72 करोड़ जारी किए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में पथ निर्माण विभाग के 3 एजेंडों पर मुहर लगी है। उसमें दीघा दीदारगंज पुल के द्वितीय पुनरीक्षित राशि 3900 करोड़ की गई है। स्टार्टअप में अव्वल बनेगा बिहार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार को आने वाले समय में स्टार्टअप के उद्देश्य से अव्वल बनाने का लक्ष्य रखा है। शाहनवाज हुसैन की माने तो बिहार कोरोना काल में निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में देश में नंबर 1 राज्य बना। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2022 तक 39,363.77 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 544 ऑनलाइन आवेदनों में से 474 आवेदन को स्टेज 1 क्लियरेंस प्रदान की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन उद्योग विभाग के साल 2022-23 के बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे थे। विधानसभा से उद्योग विभाग का 16,43,74,16,000 का बजट पारित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केरल ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केरल ने स्टाफ नर्स के कुल मिलाकर 1506 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए BSc, नर्सिंग, GNM और एक साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.arogyakeralam.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती एडमिट कार्ड हुआ जारी। केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने फायरमैन भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड को बीते दिन जारी कर दिया है, जो कि केंद्रीय चयन परिषद ने अपना लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जारी किया है, जिसके बाद ही अब इस परीक्षा का आयोजन 27 मार्च 2022 को होने वाला है। उम्मीदवार हमारे द्वारा बताए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर कुछ समय पहले ही CSBC ने सूचना दी थी कि अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड 15 मार्च से ही उपलब्ध है। होली से पहले ही बिहारवासियों का गर्मी से हुआ बुरा हाल। बिहार में गर्मी का सितम लोगों के बीच लगातार देखने को मिल रहा है। आलम कुछ यूं है कि होली से पहले ही बिहार के लोग पसीने से परेशान हैं। इसको लेकर राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में गर्मी का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विदों की माने तो आने वाले समय में तापमान के और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल की गर्मी पिछले कई रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। प्रदेश में पारा 2 से 3 डिग्री अधिक है। हालांकि दक्षिणी बिहार में न्यूनतम पारा सामान्य या सामान्य से कुछ कम दर्ज रहा। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में उच्चतम पारा लगातार बढ़ते रहने का ट्रेंड है।
नवादा के नारद संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पटना के बाद ये दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है, जो कि नवादा शहर के पुरना वादा चौक के पास स्थित है। ये साल 1973 ईसा में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु, मंजू, श्री गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा यहां उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई है। कौवाकोल के देवनगढ़ से लेकर हिसुआ के सोनसा, अपसड़, पार्वती, रजौली से प्राप्त हुए कई प्रतिमाएं रखी गई हैं। इनके साथ ही यहां कई प्राचीन हस्त पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। मुगल काल के सिक्के और मिट्टी के बर्तन, अस्त्र शस्त्र भी सैलानियों के लिए रखे गए हैं। अब कहीं से भी निकाले बिहार के गांव का नक्शा। अगर आप भी बिहार के बाहर के रहने वाले हैं और आपकी जमीन या आपका गांव बिहार में है, तो आपको अब नक्शा निकालने के लिए बिहार आकर सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब आप कहीं से भी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। यानी कि अब बिहार में अब अपने गांव का नक्शा निकालना बेहद ही आसान होने वाला है, क्योंकि अब नक्शा निकालने का काम ऑनलाइन होने जा रहा है। अब बिहार के किसी भी अंचल से लेकर अपने गांव का नक्शा निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, केवल अंचल ही नहीं, अब आप किसी अन्य राज्य में बैठे बैठे भी अपने गांव का नक्शा निकाल सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर अपनी नई व्यवस्था कर दी है। मिलने वाला नक्शा भी अब डिजिटल होने वाला है। केवल शाहबाद के चार जिले रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल के लिए यह व्यवस्था जल्द ही घर बैठे बैठे कहीं से भी नक्शा मांग लेने की सुविधा मिलने वाली है। कोरोना मृतकों को मुआवजे का भुगतान शुरू। बिहार में कोरोना काल में जान गंवाने वालों को मुआवजे की राशि देने का काम हो रहा है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद ही दी है। उन्होंने कहा कि कोविड पोर्टल पर कोरोना संक्रमण की जांच से जुड़ी जानकारी दर्ज नहीं होने के बावजूद संक्रमितों की जान जाने पर उनके आश्रितों को मुआवजा भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर जांच की जानकारी अपलोड नहीं है तो भी संक्रमित मृतकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। आज से बिहार में शुरू होगा 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। आज से 12 से 14 साल की आयु के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन बिहार समेत देशभर में शुरू होने वाला है। इसको लेकर देश में 12 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कोविन पोर्टल पर अन्य ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर के माध्यम से इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन रोल आउट की घोषणा की। पोस्ट में लिखा है कि बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 से 13 और 13 से 14 साल की आयु के बच्चों का कोविड वैक्सीन 16 मार्च से शुरू हो गया है। साथ ही 60 प्लस आयु वर्ग के सभी लोगों को अब एहतियाती खुराक मिल सकेगी। एईएस से निपटने की तैयारी में सरकार। बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम्स से बचाव को लेकर के प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर बिहार के सभी जिलों में एईएस की निगरानी के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित सभी संबंधित जिलों को एईएस की निगरानी के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों को एईएस प्रभावित इलाकों में सघन निगरानी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस संबंध में 4 मार्च को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी द्वारा उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई थी। वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर बीते दिन ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग ने सभी 38 जिलों के 2 डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया। सभी डॉक्टरों को पीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एके जायसवाल और एनएमसीएच पटना के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने एईएस के मरीजों की पहचान और उनके इलाज और बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयार एसओपी के पालन किए जाने पर जोर दिया है। बिहार के शहरों को जलजमाव से बचाने के लिए शुरू हुई तैयारी। बिहार के शहरों को जलजमाव से बचाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर अभी से ही तैयारियों का सिलसिला भी तेज कर दिया गया, क्योंकि साल दर साल बारिश के दिनों में शहरों के अधिकतर हिस्से झील की तरह तब्दील होते रहते हैं। इस फहरिस्त में नए शहरों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। बिहार में ये बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। राज्य सरकार ने इस साल शहरों को बारिश के दौरान जलजमाव से निजात दिलाने की व्यापक कार्य योजना बनाई है। नगर विकास और आवास विभाग ने मिशन 100 दिन के तहत 30 अप्रैल तक शहरों में नालों की उड़ाही का काम पूरा करने का टास्क सौंपा है। इसके जरिए बरसात के दौरान जमा होने वाले पानी को जल्द से जल्द निकासी की योजना है। नगर निकाय को नालों की सफाई कर नाली के पास ही गाद नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। पटना मेट्रो परियोजना पर अभी तक हुआ इतने करोड़ रुपए का व्यय।
राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में बन रहे पटना मेट्रो की सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत बीते दिन एक सवाल के जवाब में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 1.6% और 2.79% है। वहीं फरवरी 22 तक 615.72 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इसको लेकर मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि मेट्रो की परियोजना की स्वीकृत लागत 13,365.77 करोड़ रूपये है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,840.31 करोड़ है, जिसमें अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 262.50 करोड़ रूपये दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 5,908.17 करोड़ है, जिसमें 1,070.59 करोड़ निर्गत किए जा चुके हैं। बिहार के सभी जिला मुख्यालय में खुलेगा यातायात थाना। बिहार के चुनिंदा जिलों में ही यातायात थाना नहीं रहेगा, अब सभी जिला मुख्यालय में इसे खोल दिया जाएगा। गृह विभाग ने इसको लेकर जल्द ही प्रस्ताव बनाने का आदेश पुलिस मुख्यालय को दिया है। इसमें थाना के लिए आधारभूत संरचना के साथ ही अन्य जरूरत का आकलन भी किया जाएगा। ज्ञात हो बिहार में कुल 38 जिले हैं, इनमें से ही 26 जिलों में यातायात थाना फिलहाल कार्यरत नहीं है, पर जल्द ही इन जिलों में भी यातायात थाने का निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। गृह विभाग ने इसको लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में पुलिस मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों में यातायात थाना खोलने को लेकर प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है। इसको लेकर गृह विभाग ने प्रस्ताव में आधारभूत संरचना, कार्मिक और थाने के लिए जरूरी उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करने को भी कहा है। आपको बता दें कि राज्य में अभी 15 ट्रैफिक थाना कार्यरत है। सीएम नीतीश ने बेहटा सरमेरा रोड का किया निरीक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों का निरीक्षण किया। इसके तहत ही सीएम नीतीश ने बेहटा से सरमेरा तक बन रहे सड़क का निरीक्षण किया। बिहार पथ निर्माण विकास निगम सड़क का निर्माण कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 94 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे का निर्माण करीब 1916 करोड़ रूपये में हो रहा है। उम्मीद है कि इस साल जून में इसको शुरू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सीएम नीतीश का गर्मी से बुरा हाल भी दिखा। सीएम के निरीक्षण के दौरान मौजूदा असर हाफते हुए भी नजर आए, लेकिन यकीनन सीएम के निरीक्षण के बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब प्राइवेट डॉक्टर भी करेंगे इलाज। बिहार के मरीजों की स्थिति अब बिहार में सुधरने वाली है, क्योंकि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों की सेवा लेने वाले हैं, जिसके तहत ही फिलहाल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए डॉक्टरों की सेवा ली जा सकेगी। इसके बदले स्वास्थ्य विभाग निजी डॉक्टरों को 2,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि देगा। इसको लेकर ही विभाग ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से इस संबंध में मदद मांगी है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण और उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में हर महीने 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष कैंप आयोजित किए जाते हैं। अध्यक्ष के अपमान के बहाने विपक्ष ने किया हंगामा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसका असर बीते दिन भी सदन की कार्रवाई में देखने को मिला। इस दौरान ही विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस दौरान सदन में मौजूद सभी विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को अपमानित करने का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान विजय सिन्हा खुद सदन में उपस्थित नहीं रहे, जिसके बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की तरफ से अपमानित किए जाने की वजह से ही विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री द्वारा अपमानित किए जाने की वजह से अध्यक्ष सदन में आए नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में उतरे तेजस्वी यादव। हाल ही में बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश और विधानसभा अध्यक्ष की भिड़ंत देखने को मिली, जिसके बाद ही जहां सीएम नीतीश विपक्ष के निशाने पर है, वहीं तेजस्वी ने बिहार विधानसभा स्पीकर का बीच बचाव किया है, जिसके तहत ही राज्य नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने बयान को जारी करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन के संरक्षक पर हुक्म कर लोकतंत्र की जान लेने का काम किया। स्पीकर की तरफ से उंगली उठाकर उन्हें संविधान को लेकर ज्ञान देना स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री को आज ही सदन में माफी मांगनी चाहिए। अब बिहारियों को लेकर टीएमसी विधायक ने दिया विवादित बयान। बिहारियों को लेकर अब तक कई विवादित बयान अलग अलग राज्यों में दिए जा रहे थे। हाल ही में पंजाब में भी चन्नी ने बिहारियों के खिलाफ बयान दिया था। इसी कड़ी में बीते दिन पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने बिहार और बिहारियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बिहारी 100 बीमारी। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मनोरंजन व्यापारी के इस बयान का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। टीएमसी विधायक का वीडियो सामने आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार में सभी दलों के नेताओं ने इस बयान की निंदा की है। पर्यटन विभाग चार मेला और 32 महोत्सव का करेगा आयोजन।
पर्यटन विभाग की तरफ से 4 मेला और 32 महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जो कि आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यटन विभाग ने इन मेलों और महोत्सवों की संभावित तारीख जारी कर दी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विभाग की कोशिश है कि इन आयोजन में देश विदेश के आधिकारिक लोग शामिल हो। विभाग की तरफ से जारी कैलेंडर के अनुसार 10 से 11 अप्रैल को गोपालगंज का थावे महोत्सव होगा। 10 से 11 अप्रैल को ही कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 14 अप्रैल को जमुई के लछुआर महोत्सव, 14 से 15 अप्रैल को पटना में वैशाखी पर्व के मौके पर पटना साहिब महोत्सव, नालंदा में भगवान महावीर की जयंती पर कुंडलपुर महोत्सव, तो वहीं वैशाली में 14 से 16 अप्रैल को वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अमृतसर समझौते के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य 1846 में जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह के अधीन कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में पाकिस्तान में सजाए मौत पा चुके भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के डेथ वारंट पर दस्तखत किए। भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री शिरा मुल्ला का 1901 में जन्म हुआ। भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य का 1906 में जन्म हुआ। 1947 में प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन हुआ। बिहार में विस्थापित भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए मिलेगी जमीन। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन के दौरान विस्थापित हुए सभी भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन देने का काम करने वाली है। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में ये जानकारी दी। इस दौरान ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विस्थापित परिवार को सरकार जमीन के लिए 60,000 रुपये दे रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब तक 1816 विस्थापितों को इसका लाभ मिल चुका है। विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग का 15,400 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित हो गया। मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी रैंकिंग में हुआ बड़ा नुकसान। आईसीसी की लेटेस्ट महिला वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान मिताली राज और अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोनों खिलाड़ी अपने अपने स्थान से नीचे खिसक गई हैं। वहीं ऑलराउंडर की लिस्ट में दीप्ति शर्मा छठे नंबर पर कायम है। आईसीसी की तरफ से मंगलवार को जारी किए गए लेटेस्ट रैंकिंग में मिताली बल्लेबाजों की लिस्ट में 3 पायदान नीचे खिसक कर 7वें नंबर पर आ गई। इससे पहले वो 4थे नंबर पर थी। उनके अलावा तेज गेंदबाज झूलन भी गेंदबाजों की लिस्ट में 2 पायदान नीचे लुढ़क कर 6थे नंबर पर खिसक गई हैं। ऑलराउंडर की लिस्ट में दीप्ति शर्मा ने अपना 6ठा स्थान बरकरार रखा है। आवास से हो जाएगा पार्किंग का पेमेंट। यूपीआई पहले ही भारत में पेमेंट स्पेस में क्रांति ला चुका है। यूपीआई के आने से न केवल लोगों की जिंदगी आसान हो गई बल्कि कैश रखने का झंझट भी खत्म हो गया। आज शॉपिंग मॉल में हो या फिर मोहल्ले की सब्जी का दुकान, आप बस एक कोड स्कैन कर चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आपको कोड स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि बोलने भर से यानी कि सिर्फ आपकी आवाज से पेमेंट हो जाएगा। जल्द ही इसको रोल आउट किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए खुलेगा नया रास्ता। आने वाले समय में दरभंगा एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि दरभंगा हवाई अड्डे के लिए अलग रास्ते का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। ढलाई को लेकर 28 दिन बाद से इसका उपयोग किया जा सकेगा। स्महार नाले में डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में भवन प्रमंडल के अभियंता ने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी ने 15 अप्रैल से हवाई अड्डा के नए रास्ते को चालू करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया है कि दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के लिए भी वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। बिहार राज्य चिकित्सा आधारभूत संरचना द्वारा बताया गया कि एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई का काम चल रहा है। ये काम निर्धारित समय तक पूरा हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, दिव्यांशु कुमारी, प्रदीप कुमार, उदल पासवान, प्रदीप सिंह, संतोष यादव, अनवर करीम, रंजीत सिंह, अजय कुमार मंडल, गौतम कुमार, जावेद आलम, पूजा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।